जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी। हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े तो मिठाई बांट जश्न मनाते हुए कहा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने फिर से विश्वास जताया है। इस बार पार्टी पूरे देश में 400 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे अजय भट्ट जी हैट्रिक यहाँ करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ, विशेषकर अपने जगत प्रसाद नड्डा जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी और पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन्हें टिकट दिया और भारी बहुत से वो जीतने वाले हैं। पिछले बार 3,39,000 वोट से जीते थे, इस बार 5 लाख पार करेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जी को हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने पुनः उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए टिकट दिया है, तो हम 5 लाख वोट से उनको जिताने का काम करेंगे और सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब में बड़ा उत्साह है और गाँव-गाँव तक उत्साह है लोगों में कि मोदी जी का ये चुनाव है और अजय भट्ट जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हम कमल के फूल को नैनीताल जिले में खिलाने का काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे सांसद लोकप्रिय नेता श्री अजय भट्ट जी को यहां लोकसभा का टिकट दिया है और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि हमारे सांसद श्री अजय भट्ट जी 5 साल तक जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे और उनके सक्रियता के कारण ही लोकसभा का उनको पुनः यहाँ भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नैनीताल लोकसभा को बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हमारे एक सरल सहज जो सांसद महोदय यहाँ पे थे, अजय भट्ट जी को आज प्रत्याशी नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए आने वाले आगामी चुनाव में आपने देखा कार्यकर्ताओं की जिस तरह से यहाँ पे भागीदारी और खुशी प्रकट की जा रही है, तो आने वाले चुनाव में उन्हें और बम्पर वोटों से जिताकर हम लोग सांसद बनाएंगे।